नीलगाय का शिकार करने वाले आरोपी को पकड़ने में वन विभाग को सफलता हाथ लगी है, जिसमें विभाग ने एक नीलगाय के शिकारी को गिरफ्तार किया। साथ ही नीलगाय का सिर, खाल और पूंछ भी बरामद की गई है। मामला राहतगढ़ वन परिक्षेत्र के बहादुरपुर गांव का है, जहां पर विभाग को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बहादुरपुर गांव के सुरेश अहरबार के घर पर नीलगाय का मांस रखा हुआ है। तत्काल मौके पर दबिश दी गई, जहां मौके से नीलगाय की पूंछ, खाल, सिर समेत करीब 25 किलो मांस बरामद किया गया है। साथ ही आरोपी सुरेश अहरबार को भी गिरफ्तार किया गया। मामले में वन विभाग ने वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है और आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। सूचना पर कल रात को सूचना मिली कि ग्राम बहादुरपुर में इसी घर में नीलगाय का मांस रखा हुआ है, तो मौके पर तुरंत स्टाफ पहुंचा और जब घर की तलाशी ली तो घर के पीछे आंगन में एक बोरी में नीलगाय का सिर, उसकी खाल रखी हुई मिली, तुरंत बरामद किया गया और प्रकरण को पंजीबद्ध कर लिया गया। आरोपी कौन है? आरोपी सुरेश अहिरवार, बल्ल कुंदन अहिरवार, ग्राम बहादुरपुर है, जिसको अभी अपनी हिरासत में लिया गया है और आज न्यायालय में प्रस्तुत करने जा रहा है। राहतगढ़ से धर्मेंद्र सिंह राजपूत, सागर टीवी न्यूज़।